इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तनाव बना हुआ है एमएमएस को लेके। फिलहाल जो हॉस्टल की लड़कियां यहां पे मौजूद हैं और पूरी तरह यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनसे पूछेंगे कि रात को क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था, ये बताया बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है और रात को हमारे साथ इतना ज़्यादा वार्डन्स ने मिसबिहेव किया है, हमें इतना दबाने की कोशिश की है, पूरे सीयू ने हमारा सपोर्ट किया, लड़कियां डर के नहीं उठी। रात में हम बैठे रहे 3 बजे तक 4 बजे तक पर हम उठे नहीं। बात क्या हुई थी? लड़कियों की वीडियोस जा रही हैं, वार्डन्स उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, खुद डिलीट कर रही हैं सब कुछ, कोई एक्शन नहीं ले रहा। पुलिस को सुबह से बात चल रही है, पुलिस को रात में अभी बोल रहे कि बेटा कुछ हुआ ही नहीं है और यहाँ पे कोई मैटर नहीं हुआ, तुम लोग फालतू में हल्ला कर रहे हो इतना ज्यादा। हमारा हॉस्टल का गेट आज सुबह से बंद है जबकि हमें अलाउड है कि 6 बजे तक हम कैंपस में घूम सकते हैं। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप हॉस्टल का गेट बंद करके क्यों रखे हो, हमें क्यों बंद करके रखा है, इतनी प्रोटेस्टिंग बिना फालतू के मतलब क्यों? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, टीमें रवाना कर दी गई, तो कहा हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें बंद करके क्यों नहीं थी? लेडीज का मामला है, सारा लड़कियों का मामला है, लेडीज कांस्टेबल क्यों नहीं थी रात को, उसको अकेले मेल क्यों लेके, मेल स्टाफ क्यों लेकर गया उस लड़की को? हमें नहीं दिखी लेडीज कांस्टेबल, वो लोग हमारे हमें कि पीछे हट जाओ नहीं तो मारेंगे। लड़कियों को अंदर बंद करके रखा है, नहीं निकाला जा रहा है, अभी भी बंद है जी। सुबह से सारे हॉस्टल के लड़के लड़की सब बंद है, सारे गेट बंद है, जैमर्स ऑन करके रखा है, नेट बंद है, हमारा सब कुछ बंद है। आप क्या कहेंगे? मतलब ये कोई यहाँ पे ना स्टूडेंट से किसी को कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सीयू को अपने रेपुटेशन से मतलब है। और फिलहाल इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठा हो चुकी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और सामने आपको DSW दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के आगे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो इकट्ठा हो चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी आप इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, फिलहाल ये कहना चाह रही हूँ कि अभी प्रशासन कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, लड़कियाँ ऐसे अलग अलग आके डिस्कस करेंगी तो ये मैटर क्लोज तो नहीं हो जाएगा ना, इकट्ठा हो नहीं रही है। एंड दैट्स द थिंग कि अगर हम ऐसे अलग अलग आके एक एक स्टेटमेंट देते चले तो हम तो टारगेटेड पीपल हो जाएंगे ना यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स द थिंग। फिलहाल इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों द्वारा कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल हैं हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है, लड़कों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और वहीं पर जो जैमर लगा दिए गए हैं, किसी भी तरह से इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंकृत, न्यूज़ 24, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घड़ुआ।